गुड मॉर्निंग। आज हमें बहुत ज़्यादा काम है। पहले कपड़े धोएंगे, फिर घर की सफाई भी है। कपड़े धोएंगे नहीं, पहले कपड़े भिगोएंगे। एक्चुअली मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा धोती नहीं। थोड़े से धोने हैं, मतलब जो उस दिन जब हम डॉगी के साथ गए थे तब वो कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे, तो वो वाले धोने हैं बस। मम्मा ने एक्चुअली सारे कपड़े धो दिए। सैटरडे कोई वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो फिर अब हमें वो अपने खुद ही धो लेने चाहिए, फिर पता नहीं कब लगेगी वॉशिंग मशीन नेक्स्ट टाइम। तो हम ये काम कर लेते हैं। ओके। एक्चुअली यार मेरे ना शूज़ भी थे, शूज़ तो कोई एक महीने से बाहर पड़े हुए हैं, कल करके एक महीना हो गया, अभी तक नहीं धोए, मैले हुए पड़े हैं, तो फिर वो भी धो लेती हूँ। ओके। चलो फिर चलते हैं काम पे। गरम पानी डालेंगे पहले, सरफ डालेंगे, सरफ बहुत डाल देते हैं। हाँ जी देखती हूँ, पहले पहले तो अपना काम। हाँ जी और ये हमने अपने कपड़े भिगो दिए हैं, ये देखो बाद में धोएंगे इनको। चलो चलें। अभी थोड़ी देर पहले इसको पानी दिया और ये निकल निकल के यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ चला हुआ है, चला हुआ है। ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। ये है पपीते की सब्जी, जो कि पापा बोलते हैं दवाई होती है, खाओ खाओ, तो अब खाओ, अच्छी तो नहीं लगती पर चलो खाओ। ये है ब्लैक चने और साथ में लिया है कर्ड। तो फिर अब हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। पहले सोचे थे सारी सफाई करेंगे फिर उसके बाद करेंगे, बट पहले कपड़े भिगोए, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, फिर थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली 9:15 हो रहे हैं, फिर मेरे को लगा पहले इससे पहले कि मुझे सफाई करते करते बहुत टाइम लग जाए, तो पहले आराम से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ना मैंने मुंह धोया है, नहाना तो चलो दूर की बात है, तो हम नहाए धोए बिना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो कर रहे हैं। एक्चुअली फ़ोन लगाए चार्जिंग में, तो वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है, तो मैं खाना खा लेती हूँ। और मुझे लग रहा है ये नौटंकी करने के बाद खाना भी ठंडा हो चुका है, तब मैं खाना खा लेती हूँ, उससे पहले बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। बाय बाय, फिर मिलेंगे सफाई करते हुए। चलो चलो खाना खा लेते हैं। डाल दी है, ध्यान ही नहीं है इन वीडियोस के चक्कर में। पपीते से स्टार्ट करते हैं। समझ गए ना पपीता। चने तो अच्छे हैं, चने तो मुझे पसंद है। पपीते की सब्जी तो दही के भरोसे ही खत्म हो जाएगी, हो सकती है अदरवाइज।
मन कर रहा वापस डाल दूँ, पर खानी पड़ेगी भाई, दवाई है दवाई। ठीक है दही के साथ। चलो अब हम खाना खा लेते हैं आराम से, खाना खाते टाइम बात नहीं करते हैं, तो थोड़ी मेहनत तो है हमें। वैसे तो हमने सफाई करते हुए मिलना था, पर खाना खाते खाते ऐसे ध्यान आ रहा था कि ये जानना होगा आपको मैं अकेले क्यों खाना खा रही हूँ। तो एक्चुअली पापा चले गए ऑफिस और मम्मा भी चले गए हैं। मम्मा गए हैं सत्संग घर। एक्चुअली हम सत्संग जाते हैं, अच्छा लगता है वहाँ जाना। हम जुड़े हुए हैं, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पर आई थिंक रहने देते हैं, फिर मे भी ऐसा लगे कि क्या लगे पता नहीं, मतलब मैं ज़्यादा सोच रही हूँ पता नहीं, पर जब ठीक लगे मैं बता दूँगी। बाकी जिन गुरु जी को हम मानते हैं उनको मतलब पसंद नहीं है ये सब मीडिया एंड ऑल में आना, वो अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें, जो जितना मतलब उनको देखा है वो अवॉइड करते हैं, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी। तो बस मतलब मम्मा गए हैं सत्संग में, वहाँ पर उनकी सेवा, मतलब ऐसा होता है कुछ कि ऐसा होता है कि ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं तो सब आते हैं, तो फिर आज मम्मा को बोला था तो फिर मम्मा गए वहाँ। मम्मा 1-2 बजे तक आएंगे अब, और बस बाकी ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। पता नहीं कल से कुछ ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, कल रात को भी खाना नहीं खाया था, मन नहीं था, भूख नहीं थी, और अभी भी खाया नहीं गया, मतलब ठीक है। सब चीज़ तो मैं मानती हूँ पपीते की थी, बट चने भी थे, चने अभी रह गए हैं। वैसे मैं खाना छोड़ती हूँ या अभी मैं फिनिश कर दूँगी, पापा से सीखा है खाना नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें देखो जिनको खाना नहीं मिलता, हमें मिल रहा है तो फिर उसकी कदर करो, तो खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी, आप लोगों को भी नहीं, खाना मत छोड़ना कभी भी, ये मतलब अच्छी बात नहीं है यार, तो खाना पूरा फिनिश किया करो। बाकी दही तो खाया नहीं जाएगा, दही मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बाद खा लूँगी, अभी चने फिनिश करूँगी और दही थोड़ी देर बाद खाऊँगी। वैसे मुझे दही चीनी के साथ पसंद है, मुझे पता है काफ़ी उनको पसंद नहीं है, मैक्सिमम को देखा है, मतलब अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं जो चीनी के साथ दही खाता हो। पापा खाते हैं, मैं खाती हूँ, और बस पापा शक्कर ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, चीनी वगैरह अवॉइड करते हैं, पापा चीनी अच्छी नहीं होती ये वो सो, मैं तो मेरे को तो भाई टेस्ट चाहिए तो मैं चीनी के साथ खा लेती हूँ। ओके तो अब हम चने फिनिश करते हैं, फिर जाते हैं सफाई करते हैं, कपड़े भी धोने के लिए हैं। बाकी रूम्स तो फिर भी ठीक थे, पर इसकी हालत देखो, ओ माय गॉड। चलो हो जाओ शुरू। चलो फाइनली मेरा इस रूम का काम तो हो गया फिनिश, मतलब सेटिंग डस्टिंग वगैरह होगी, अब बस यहाँ पे झाड़ू मारना है। और ये है एक्चुअली माँ पापा का रूम, मम्मा पापा का, और ये मेरे क्यूटी पाइज, सॉफ्ट पाइज का बहुत ही ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा, ये मेरा सबसे पारू है, ये मैंने लिया था इसलिए बाकी भी बस गिफ्ट में मिले थे, ये अखिलेश लेके आया था गुजरी। और बाकी इस रूम से बाहर का व्यू ये ऐसा है कुछ, ये है बाहर का व्यू। ओके चलो बाकी रूम्स भी देख लेते हैं। थैंक गॉड मम्मा सेल्फ साफ करके, ये मुझसे गिरा भी अभी जब मैं दही डाली थी, सेल्फ वगैरह साफ करके गई है मम्मा। चलो थोड़ा काम हमारा हो गया यहाँ का, तो
मैंने किया है अभी, इसको भी सेट करेंगे। और मतलब सीरियसली मैं अपने घर का वो दिखा रही हूँ, ये मेरी जैकेट है यार, कल खोली थी, अभी उठानी पड़ेगी। कल थोड़ा शाम को आए थे ना, शाम को मतलब लेट हुए थे। बाकी ये एक रूम है, इसकी भी अभी हालत ख़राब है, इसको भी ठीक करते हैं थोड़ा बहुत। ये एक रूम है, यहाँ अच्छी धूप आती है, दिन को दिखाऊंगी यहाँ पे। एक्चुअली हमारे सबसे पहले रूम जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, सबसे पहले वहाँ पे धूप आती है, देन इन दो रूम्स में आ जाती है, फिर यहाँ 5 बजे तक रहती है इस वाले रूम में, तो 5 बजे तक इसमें भी और परे वाले में भी, मतलब सनी एरिया है प्रॉपर। बाकी यहाँ से बाहर का व्यू व्यू तो अच्छा है, जो भी है, यहाँ घर से ना इतना सही व्यू लगता है ना मुझे, ये वाला बहुत ही प्यारा ये सब है। चलो फाइनली करते हैं काम, दिखा तो दिया है, घर बिखरा पड़ा है, कोई दिखाता है अपने घर ऐसे बिखरा पड़ा, कोई बात नहीं, जो भी है अब समेटना तो पड़ेगा। चलो लग जाओ काम पे, ओके मिलते हैं फिर। वाह सो क्यूट, अच्छा तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो फर्स्ट वीडियो, मतलब ये जो डाली है मैंने, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, तो बाकी की हाफ वीडियो हम आपको कल वाली वीडियो में भेजेंगे, ओके। तो अभी आपने देखा बिखरा हुआ घर, नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे साफ़ सफाई वाला सब कुछ, साफ़ कपड़े, साफ़ घर, सब साफ़ सुथरा दिखाएंगे, डोंट वरी। तब तक के लिए बाय बाय, मम्मा बाय करो, करो बाय बाय। बिल्लियों की तरह नहीं बोलना बाय।